ये काम किसी नॉर्मल पुलिस अफसर के बस की बात है ही नहीं। कौन कौन है टाइगर 3 के असिस्टेंट डायरेक्टर? We have to get this stop. क्यों हुआ आपने टाइगर 3 को इतना बड़ा लॉस? इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। इमरान हाशमी ने फिर से क्या कहा टाइगर 3 के बारे में? टाइगर भरोसा भी, हिम्मत भी और ताकत और पागलपन हद से ज्यादा। इंडिया में कुछ इम्पोर्टेंट सीन शूट करने के बाद सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में कर रहे हैं सलमान खान कटरीना कैफ अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग कंप्लीट। इस फिल्म की शूटिंग देखने के लिए काफी सारे फैंस आए थे उस एरिया में। सलमान के कई फैन पेजेस ने उनकी और कटरीना की तस्वीरें भी शेयर की है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस फिल्म में सोहेल खान के बेटे निर्वाण खान भी असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में नजर आएंगे। जी हाँ, सोहेल खान के बेटे निर्वाण खान अब फाइनली बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं। टाइगर 3 के लिए खास तौर पर निर्वाण खान ने टेक्निकल चीजों के अलावा और भी कई चीज सीखी है, जैसे कि सेट आखिर कैसे डिजाइन किया जाता है, किस किस के पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट होता है, इन तमाम बातों पर निर्वाण खास ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों, ये फिल्म जब मुंबई में शूट किया जा रहा था तो उस दौरान कोविड की वजह से इसकी शूटिंग को बीच में ही रोकना पड़ा था। अब फाइनली इसकी आगे पार्ट की शूटिंग जो है वो रशिया में कंप्लीट हो रही है। मुंबई में एक तरफ कोविड महामारी तो दूसरी तरफ भारी बारिश की वजह से फिल्म के शूटिंग लोकेशंस पर खासा दिक्कतें आई थी, और इतना ही नहीं फिल्म यूनिट को करीब 1 से 9 करोड़ का लॉस भी हो गया था, क्योंकि फिल्म का सेट पूरी तरीके से तबाह हो गया था। अब हम तो यही उम्मीद करेंगे कि फिल्म को जितना भी लॉस हुआ है वो सब कुछ पे बैक हो जाए टाइगर 3 के सक्सेस के बाद। इस फिल्म के लिए शुरुआती दौर में ऐसा कहा जा रहा था कि इमरान हाशमी टाइगर 3 में विलेन के किरदार में नजर आएंगे, लेकिन हम आपको बता दें ऐसा नहीं होने वाला है और इसकी कंफर्मेशन खुद इमरान हाशमी ने दी है। हालांकि उन्होंने ऑडियंस को थोड़ा कंफ्यूज करते हुए कहा कि मेरी अपकमिंग फिल्म क्या होने वाली है और मैं कैसा किरदार निभा हूं, ये ऑडियंस को फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। मतलब निश्चित तौर पर इमरान हाशमी पूरी तरीके से सस्पेंस क्रिएट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इमरान हाशमी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 में विलेन के किरदार में नजर आएंगे या फिर नहीं? और अगर वो नजर नहीं आती हैं तो फिर कौन दिखेंगे टाइगर 3 में विलेन के रूप में? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।